महेश तापसे जी का भी हम स्वागत करते हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के। महेश तापसे जी का अभिनंदन और सत्कार भारतीय छात्र संसद के मंच से। ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली डॉक्टर चरणजीत सिंह अटवाल जी, प्रोफेसर सत्यनारायण जी, श्री सुभाष गाई जी, श्रीमती शबाना आजमी जी, श्री गुरदीप सिंह सप्पल जी, प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ जी, माय फ्रेंड एंड कलीग राहुल कराड़ जी, आर टू यंग स्पीकर शुभ तिवारी, तृप्ति बागवे, एंड द रेसिपिएंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस युवा अवार्ड, श्रीमती तुलसी देवी राय एंड श्री मनीष कुमार जी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑल दिस यूथ एंड मेंबर्स ऑफ द यूथ पार्लियामेंट। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमान की। मुझे गर्व है राहुल जी कि मैं राजनीति में हूं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति एक करप्ट व्यवस्था है, एक करप्ट सिस्टम है। जैसे हमारे पंजाब के स्पीकर साहब ने कहा कि देयर आर ब्लैक शीप इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, आई एग्री टू इट, लेकिन इन ब्लैक शीप को निकालने की जवाबदारी किस पे है, तो आप जैसे युवाओं पे है। और हर बार किसी फोरम पे कहा जाता है कि द यूथ इज द आर्किटेक्ट ऑफ टुमारो, बट दैट टुमारो नेवर कम्स। आई से द यूथ इज द आर्किटेक्ट ऑफ टुडे, एंड दिस यूथ इज गोइंग टू सेट द एजेंडा फॉर टुमारोज इंडिया। इस मंच के दोनों तरफ देखिए, एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ अहिंसा है। सिर्फ दो ही चीजों का ज्ञान, दो ही चीजों का एक रेगुलेशन लेके आपको अपनी राजनीतिक जीवन में चलना है। राहुल जी ने स्कूल बनाया, स्कूल ऑफ गवर्नेंस, और मुझे लगता है देश का ये पहला स्कूल है जो राजनीति करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को, राजनीति में काम करने वाले हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को अपनी राजनीति में काम करने का एक मौका, अवसर और सुधारने का मौका, अपनी स्किल को डेवलप करने का, अपनी स्किल को फर्दर इन्हेंस करने का एक मौका देती है। दोस्तों, तीन छात्रीय संसद, तीन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट हो चुकी हैं, ये तीसरा है और 2014 में चौथा होने वाला है। लेकिन 14 में और एक चीज होने वाली है, वो है इस देश का जनरल इलेक्शन। और मुझे लगता है कि 2013 का आपका स्टूडेंट्स पार्लियामेंट, और आने वाले समय में अगर जनवरी में आपका हुआ तो 2014 का स्टूडेंट पार्लियामेंट 2014 के जनरल इलेक्शन का थीम तैयार करने वाला पार्लियामेंट रहेगा। दिल्ली में एक बहुत बुरा कांड हुआ, हजारों लाखों युवा देश के अलग अलग जगह के, बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, सब जगह एकत्रित हुए और चाहते हैं कि इस देश की सिस्टम को बदलना चाहते हैं। लेकिन सिस्टम को कैसे बदलने का अधिकार किस पे है? सिस्टम को बदलने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। स्टेट के अंदर लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार किसके पास है? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन हम जब तक उस लेजिस्लेचर में नहीं जाएंगे, उस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, एक सिटीजन एजेंडा को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का लेजिस्लेशन जो जनता चाहती है, जो युवा चाहते हैं, जो ये पार्लियामेंट चाहती है, जो इस मंच पर बैठे हुए सारे हमारे लोग चाहते हैं, उस प्रकार का एजेंडा हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 2013 का ये स्टूडेंट्स पार्लियामेंट आने वाले 2014 के लोकसभा का बेसलाइन, एक फोरम, एक थीम पेपर तैयार करने वाला होगा। और इसी के साथ मैं राहुल कराड़ जी और प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ जी को और आए हुए सभी मेरे छात्रों को, मित्रों को बधाई देता हूं कि इस प्रकार से आपने बहुत ही अपनी ताकत के साथ इस प्रकार से 3 साल तक इस फोरम को चलाया है। आने वाले समय में भी आप यहाँ चलाएंगे। बहुत ही विद्वान लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपने अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से काम किया, सारी चीज़ें उन्होंने बताई, इस इनके सारी जीवन की कथाओं का, इनके जानकारी का, इनके अनुभवों का आप सबको बहुत फायदा होगा। इतना ही कहते हुए फिर एक बार आप सबको बधाई देते हुए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तापसे जी।